हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स योर गर्ल ज्योति। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिन बाद आ गई मैं मेरी बेंगलोर ट्रिप का Part-2 ब्लॉग लेके। तो इधर हम लोग फ्रेश होने के बाद रेडी हो गए थे। तो दैट वाज माय आउटफिट एंड द टॉप वाज अ गिफ्ट फ्रॉम माय मॉम। तो चलो चलते हैं बाहर घूमने, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं एंड क्या खाते हैं आज रात को। सो या लेट्स गो। फिर होटल से बाहर आके विटू का ऑटो एंड वेंट टू नेक्सस फोरम मॉल विच वॉज नियर बाई टू आवर प्लेस, सिंस आवर होटल वॉज इन कोरामंगला एंड दिस फोरम नेक्सस मॉल वॉज ऑल्सो इन कोरामंगला, सो वाई नॉट विजिट देयर। तो अंदर जाके आई वॉज लाइक डैम इट्स सो बिग एंड सो गुड, लाइक सेफर से स्टार्ट करके वेस्ट साइड मैक बोज एवरीथिंग वॉज देयर एंड देर वॉज अ विंग टाइप थिंग लाइक अ स्टैचू और सिटिंग प्लेस एज यू कैन सी। आई टुक सो मेनी फोटोज देयर। सो या हियर इट इज एंड इट फील्स लाइक यूर अ फेरी एंड ऑल। देन हम दोनों ईच एंड एवरी फ्लोर से घूम रहे थे एंड फिर हम लोग पहुँच गए मिनीसो पे। And Miniso is a heaven-like place for all the girls out there. Because मन करता है सब कुछ ले लेते, स्लिप मास्क से शुरू करके टॉयज बैग्स एवरीथिंग। देन उसके बाद हम लोग बोस गए, हेडफोन्स देखे, कैसियो भी गए, वॉचेस एंड ऑल। फिर वी आर लाइक नहीं, भूख लगी, अभी चलो ऊपर फूड कोर्ट ढूंढो एंड खाना खाओ। देन ऊपर जाके हम सब रेस्टोरेंट का मेन्यू चेकआउट किए एंड फाइनली वी गॉट आवर मील फ्रॉम टाको बेल। She got a cheese taco and मैंने एक wrap लिया with churros obviously। Then it's time for coffee, man. Starbucks is there, so I have to get one. So ले लिया मैंने। Thank you. Bye. I guess मैंने caramel frappuccino कुछ तो लिया था, याद नहीं अभी। It's not my Starbucks after like 3 or 4 years. I'm like okay and the name is correct this time. फिर मॉल से बाहर आके हम लोग नाइट लाइफ स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने गए क्योंकि बेंगलोर इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द नाइट लाइफ वाइब्स एंड एवरीथिंग। इधर बादशाह से शुरू करके जिप्सी, टोका, बोहो, एवरीथिंग इज़ देयर। लाइक अगर यू वांट टू एंजॉय द नाइट लाइफ जस्ट विजिट बेंगलोर एंड यू विल गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। पूरा रास्ता भर के ये पब्स, क्लब्स, एवरीथिंग इज़ देयर। सो हम लोग देख रहे थे क्या क्या है इधर। चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे ग्रब मंकीज क्योंकि हमने सुना है कि बेंगलोर का ग्रब मंकीज इज़ फार बेटर देन मणिपुर। सो हियर इट इज़ ग्रब मंकीज, वी आर हियर। एंड उसका इंटीरियर डिज़ाइन वॉज सो गुड, लाइक डिफरेंट फ्रॉम मणिपुर। अमेजिंग, लाइक आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम इफ यू ट्राई समथिंग इट विल जस्ट ब्लो योर माइंड। सो या वी आर वेटिंग फॉर आवर लोडेड फ्राइज एंड आफ्टर इट कम Then our cheesy loaded fries came and we're like, just dive in, man. Let's enjoy the meal. It's a bit cheesy, guys. What? It tastes good. Better than Manipal, I must say. You know? ग्रब मंकी से निकल के हम लोग गए थे पॉपर्स पे। तो दिस ब्रांच इज द फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया। रिसेंटली मणिपाल पे नया आउटलेट खुला है पॉपर्स का एंड दिस इज द सेकंड आउटलेट इन इंडिया। नाउ वी आर इन पॉपर्स एंड वी ऑर्डर टू पीस चिकन एंड वी गोना टेक इट पर्सल लेके हम लोग बोहो के अंदर गए देखने के लिए क्या मौज मस्ती चलता है इधर, नाइट लाइफ का वाइब कैसा है। तो हियर वी आर अगेन शोइंग आवर आउटफिट्स। थोड़ी देर वाइब लेने के बाद हम लोग निकल गए थे होटल की तरफ क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी जल्दी निकलना था। राइट नाउ हियर इज द की एंड शी इज कैरिंग टू बैग्स, माय बैग इज हियर। सो या अभी तो हम लोग प्लान कर रहे हैं बेंगलोर पैलेस जाने की। सो देखते हैं रास्ते जाके क्योंकि कबन पर वी डोंट हैव दैट मच एनर्जी है कि सो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे प्लान्स है अपकमिंग। जहाँ जहाँ जाएंगे थोड़ा तो घूमना है ना बेंगलोर आया। सो होटल से चेकआउट करके जो स्टॉपेज पे हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे, बाद में पता चला उधर बस नहीं आती क्योंकि बस अंडरग्राउंड रूट से आता है। तो दूसरे स्टैंड पे जाके वेट किया, बस आई तो इधर बहुत ट्रैफिक जैम होता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम दोनों को सीट मिल गई थी। सो टुडे इज़ द सेकेंड डे एंड वी आर गोइंग टू एम जी रोड राइट नाउ बिकॉज़ उसके बाद चेंज करके हम लोग कबन पर जाएंगे। अभी तो एक बार उठी हो सेंट जॉन्स हॉस्पिटल के सामने से, अभी
तो बस पे जब थे तब पता नहीं था कि एमजी रोड जहां हम जा रहे हैं वही चार्च स्ट्रीट है. तो ये था ऑपेरा हाउस. जब उधर उतरे एंड वी आर लाइक ये तो पिक्चर पे देखा देखा लग रहा है, पर हाँ ठीक है कुछ तो होगा दूसरा कोई नाम. फिर एमजी रोड मेट्रो रेल के अंदर गए क्योंकि हमें मेट्रो पकड़ के कबन पर जाना है. एंड या दिस इज़ द रोड. इट वॉज सो गुड बट इट वॉज सो सनी. एंड हियर आर द पेजेंस. यू नो आई लव पेजेंस व्हेन दे फ्लू. तो जब मेट्रो स्टेशन के अंदर आया इट वॉज लाइक अ मॉल. डैम एंड इट्स सो बिग. देन ऊपर गए. वी बोथ वर सो एग्जॉस्टेड क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था एंड इतना धूप था. तो भाई लोग अब मेरे को फॉलो करके चलो हम लोग मेट्रो रेल पकड़ते हैं. तो बैग चेकिंग एंड टिकट कट करके हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए थे एंड इट वाज सो बिग. आई वाज एक्सप्लोरिंग ऑल द साइट्स कि क्या क्या है इधर एंड ऑल. तो दो तीन मिनट के बाद ही चले आते हैं मेट्रोज. एंड ये पिंक लाइन बोलते हैं, सॉरी पर्पल लाइन बोलते हैं आई गेस. हाँ पर्पल लाइन बोलते हैं. तो पहले पता नहीं था पर्पल लाइन क्या मेट्रो को इंडिकेट करता है या नहीं. तो उसके बाद हम लोगों का मेट्रो आ गया. एंड द गुड पॉइंट वाज ये ऑशिन का फर्स्ट टाइम मेट्रो एक्सपीरियंस था. नए जगह नया चीज़ जानने को चढ़ने को मिल रहा है तो वाई नॉट. आज के लिए यही तक. आगे का कहानी जानने के लिए कि हम दोनों मिल के कहाँ कहाँ घूमे क्या क्या किए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए विच विल बी द लास्ट पार्ट. एंड लेट मी नो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग इन द कॉमेंट सेक्शन. सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई FB पेज. ऑल द लिंक्स आर देयर. टिल देन स्टे सेफ स्टे कनेक्टेड. सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. बाय.